इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम में फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मकसद क्या होता है। तो पहले हम ये सीखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है। लेट सपोज ये एक बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसका तरीका ये होगा कि इसमें जितनी भी बिट्स आपको नजर आ रही हैं उनको हम रिवर्स कर देंगे, यानी जहां पे आपको वन नजर आ रहा है उसको हम जीरो कर देंगे और जहां पे जीरो नजर आ रहा है उसको हम वन कर देंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर इस बाइनरी नंबर का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। अब देखें, पहली बिट यहाँ पे वन है, तो वन का जो हमारे पास यहाँ पे जो इसका ऑपोजिट होगा वो होगा जीरो। इसी तरह अगली जो बिट है वो जीरो है, तो जीरो का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, वन। इसी तरह नेक्स्ट बिट है वन, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जीरो में। नेक्स्ट फिर वन है, वो फिर जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जीरो बिट है, वो फिर वन में कन्वर्ट होगी। इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करते जाएंगे और ये जीरो फिर वन में कन्वर्ट होगी और फिर ये जीरो वन एंड जीरो। ये अब आपको जो ये नजर आ रहा है ये दरअसल क्या है, ये दरअसल यहाँ पे इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट है। यानी वंस कॉम्प्लीमेंट में आपने सिंपल क्या करना है कि वन को जीरो कर देना है और जीरो को वन कर देना है। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक और बाइनरी नंबर है, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे कि जितने भी आपको वंस नजर आ रहे हैं इसको हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे और जितने भी जीरो नजर आ रहे हैं इनको हम वन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर का वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। इसका मकसद क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मकसद ये होता है कि ये वन कॉम्प्लीमेंट की मदद से फिर हम आगे चल के टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट हम सीखेंगे ऐसे अगली वीडियो में। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट का मकसद ये है कि आप किसी भी दो बाइनरी नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि आप दोनों नंबर्स को आपस में माइनस कर सकते हैं। जब भी हमने दो नंबर्स को माइनस करना होता है डेसिमल में तो हम किस तरह से करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने माइनस करना है 8 माइनस 6 को, तो आपको इसमें 8 का पता होना चाहिए और माइनस 6 का पता होना चाहिए, तो हम आसानी से माइनस कर लेते हैं। लेकिन बाइनरी के साथ मसला ये होता है कि अगर हमने दो बाइनरी नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें मसला ये होता है कि हमें उसकी जो माइनस या नेगेटिव फॉर्म है वो हमें हासिल नहीं होती। तो दो बाइनरी नंबर्स को आपस में सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दूसरे नंबर की हमें नेगेटिव फॉर्म हासिल करनी पड़ती है। उसके लिए हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो बाइनरी नंबर हैं, जैसे कि एक नंबर है और ये एक नंबर है, इसी तरह ये दूसरा नंबर है। अब इन दोनों को अगर मैंने माइनस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेगेटिव में। जब मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा उसके बाद फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये दो तरीकेकार हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा कि किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं।